हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज 20/7/2021 को बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लेगी 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की स्कूल खोलने का अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्कूल खोलने को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। इसमें आप देख सकते हो, जुलाई में 2 और अगस्त से सप्ताह में 4 दिन लगेंगी क्लासेस। आप यहां पर पूरी न्यूज भी देख सकते हो। चलिए तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अनअकैडमी ऐप के बारे में बताना चाहते हैं। अनअकैडमी एक एजुकेशनल ऐप है। इस ऐप के जरिए आप अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस ऐप में वीकली कॉम्बैट होते रहती है। कॉम्बैट मीन्स आपसे मतलब एक टेस्ट सा लिया जाएगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसके साथ ही अगर आप इस टेस्ट में जो अनअकैडमी द्वारा लिया जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट, उसमें यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल 1 साल के लिए कंप्लीट फ्री दे दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, टॉप 3 वालों के लिए नहीं, और भी अगर आप 4 से 10 रैंक में आते हो तो आपको 75% और मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और यदि आप 11 से 50 की रैंक में आते हो तो आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। और यदि आप 51 से 300 के बीच में आते हो तो आपको 25% ऑफ। और यदि आप 301 से 800 के बीच में भी आते हो तो आपको 20% ऑफ दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर इनरोल करें। इनरोल कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आपको क्लिक करके अनअकैडमी आप डाउनलोड करना है। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली आपको रजिस्टर करके इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर लेना है। अब देखिए, अगर आप हमारा कूपन कोड भी यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, इतना ही नहीं, आप यहाँ पर 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ की वर्थ स्कॉलरशिप तक भी जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप अभी इनरोल कीजिए और जाइए इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की स्कूल खोले जाने के बारे में अंतिम फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ ले करेंगी, ठीक है। जिन जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं है वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर आपस में चर्चा कर लोगों को विश्वास में लेकर स्कूलों का संचालन शुरू करेंगे। बच्चों के स्कूल आने के लिए पालकों की सहमति जरूरी होगी, यानी जो आपके माता पिता हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण के संबंध में बैठक संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ कक्षा शुरू होंगी। जुलाई में सिर्फ 2 दिन कक्षा लगेंगी। 26 जुलाई के बाद अगले दिन कक्षा कब लगेगी यह स्कूल तय करेंगे। अगस्त माह के पहले सप्ताह से 50% क्षमता के साथ 2-2 दिन कक्षा लगाई जाएंगी। कक्षा के 50% छात्र पहले दिन और बाकी 50% अगले दिन आएंगे। इस प्रकार सप्ताह में 4 दिन ही कक्षाएं चलेंगी। यानी जैसे आपकी क्लास 10th में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आएंगे, यानी 50% उसके आएंगे बच्चे, ठीक है, पढ़ने स्कूल। उसके बाद में दूसरे दिन जो 25% रहेगा, 50% रहेगा वो आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कक्षा ली जाएंगी। उन्होंने मास्क लगाना भी और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी ज़रूरी कहा है, ठीक है। यानी यह चीज़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह थोड़ी मतलब पालन इनका करना पड़ेगा, मास्क वगैरह का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही हम आपके लिए मैथ्स की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।